ब्यूटीफुल पीपल क्या बोलती। तो भाई लोग, अभी मैंने रिसेंटली लाइक चीज देखी भाई, मेरे को ना इस तरह की चीजों में 5-5 6-6 मिनट की वीडियो बना के ना गायब होने का बड़ा दिल करता है। दिल की बाहर निकल जाती है, भड़ास निकल जाती है, सुकून आ जाता है। माँ की बात ऐसी है भाई, कर्मा और एग्जी भाई, बड़े दिनों बाद एक तो बीफ होने का ना जो मजा आता है ना, वो अलग चीज है भाई। ये चीज ना होनी चाहिए हर महीने के अंदर, मैं तो चाहता हूँ। नहीं तो मेरे को ना बोरियत होने शुरू होती है, ज्यादा मोहब्बत ना इतना मेरे को अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं ना घर में इतनी सफाई ना करो, थोड़ा गंद अच्छा लगता है। मैं वो बंदा हूँ, मेरे को चाहिए, मेरे को गंद चाहिए भाई, मेरे को सुकून मिलता है, ठीक है ना। तो बात ऐसी है भाई, एग्जी का मैंने अभी स्टोरी देखा, मैं न्यूज को ही खोल के बैठा हुआ था भाई। ये रोहित जोन है, रोहित जोन रोम, तो भाई वहां पे मैंने देखा भाई, मेरे को ना पहली तो बात है कि समझ नहीं है कि बीफ कहाँ से शुरू हुआ, ठीक है ना। सीधी बात है, मतलब कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, और कर्मा ने अगर शुरू किया तो वो क्यों किया आजकल, मेरे को नहीं समझ आ रही। तुम लोगों को पता हो तो अच्छी बात है, लेकिन हम किसी और चीज पे बात करने हैं, इसलिए मैंने उस चीज पे इतना ध्यान नहीं दिया। बात ये है मैं जो कि इक्का कह रहा हूँ, एक तो मेरे को वो गाना फंस गया हुआ कि मेरे इक्का और ये सोला मेरे दिमाग में फंस गया हुआ कि कर्मा ने भाई बॉडी शेमिंग की। अरे भाई कर्मा जबा जबा वो हकला हकलाऊ है भाई, कर्मा हकलाऊ है। कर्मा कैसे किसी का बॉडी शेम कर सकता है, और अगर उसने कर दिया है तो कर्मा के जो कर्मा को बहुत हेट भी मिलता है भाई, ठीक है ना। ऐसी कोई बात नहीं है, कर्मा एकदम सितारा बन चुका है, उसको लाइमलाइट मिल चुकी है कलमकार से बाहर निकले। इसका मतलब ये नहीं कि वो यंग गालिब के साथ हुआ तो सारे लोगों ने कर्मा को ही जिताया, यंग गालिब के लोगों ने बहुत पेला था उसे भाई जाके, मुझे पता ना ये ऐसा होता है सीधा। तो हिकलाओ वो ऐसे वो जबा जबा करके बोलता है, तो ये जो वुमन कार्ड है ना भाई, खुदा की कसम ये लख लानत लख लानत। इतना मुझे गुस्सा चढ़ा कि भाई एग्जी ना आज भी वो टिपिकल देसी कि औरत की जिस्म के ऊपर बात कर रहा है, औरत दी ये वाली बात कर रहा है। यार देखो सीधी सी बात है, इंस्टाग्राम पे अगर कोई लड़की अपनी गांड दिखा रही है तो हम उसको ये कहने के वाओ व्हाट अ टैलेंट तो वो हो नहीं सकता, हम कहेंगे वाह क्या गांड लाई है, ठीक है ना। कच्चा बादाम जिंदाबाद क्या बोलती बाबरे। तो वैसे नॉर्मल सी बात है कि लोग करेंगे, और अगर आप आर्टिस्ट हैं, आप रैपर हैं, तो आप जाहिर बात है आप इंस्टा पे आके इतनी कमाल को किस्म कर। अच्छा पहले मैं बता दूं कि दोनों आर्टिस्ट बहुत कमाल के हैं, मैं कभी भी एग्जी को ये नहीं बोलूंगा कि कर्मा से छोटी है तो ये है वुमन है और ये है वो फलाना। नहीं भाई, उसका रैप बहुत कंचा, बहुत कमाल किस्म का करती है, यकीन करो। उसके जो इंस्टा रील्स होते हैं ना, वो भी रोक रोक के समझने पड़ते हैं, वो एकदम समझ नहीं आते। इस पर कोई शक व शुबा की बात ही नहीं पता होती कि भाई कर्मा बड़ा है और ये है वो लड़का है तो हम उसको करेंगे, नहीं। लेकिन तुम भी तो वही बकचोदी कर रही हो, मैं जो आखिरी वक्त पे आके तुमने कह दिया बॉडी शेम कर रहे हो माँ का ऊपर, ये भाई तू आर्टिस्ट बनी है, आर्टिस्ट बनी है, उसके अंदर भाई 100 चीजें होंगी, तुझे गालियां ही पड़ेंगी, तुझे सब कुछ होगा। आप पब्लिक फिगर बन जाओ, आप जितना मर्जी अच्छा काम कर लो ना, एक आधा मादर चोर होता है जो आपकी गांड मारने आ जाता है, वो नॉर्मल है। तो बॉडी शेमिंग क्या भाई, बॉडी में क्या है, बॉडी है ही नहीं तो शेमा क्या। मेरे को ना गुस्सा चढ़ गया, मैंने कहा यार ये किस तरह की बात करी, इतनी अच्छी सिविलाइज्ड औरत लगती है और उसके ऊपर ना बॉडी शेमिंग। भाई बॉडी शेमिंग कुछ नहीं है, ढिस है ये, यहाँ पे कोई गैरत तो नहीं खाएगा कर्मा के। नहीं भाई तुम उसके अकलाते पे पकड़ लो भाई, मुंह में कर दो उसके, कर्मा तुम्हारे मुंह में मैंने जर्मा जब कुछ बोल दे भाई कुछ बोल दे। लेकिन ये जो चीजें होती है ना, और इसमें आ जाते हैं लोग कि नहीं औरत के ऊपर ये रहे, भाई इक्वालिटी है भाई इस चीज के अंदर, इजीली एग्जी इसके ऊपर इजीली इसको ट्विस्ट कर सकती है, कर्मा को 100 पेल सकती है भाई। मैं यहाँ पे बैठे कर्मा को 10 जुगते मार दूँ, हालांकि मेरा तो कोई चीज भी नहीं है, तुम बैठे हुए कुछ कर दो, न्याजी को पेल दो बैठे बैठे, हालांकि न्याजी के बारे में कुछ ना बताओ फिर भी पेल दो। तो बकचोदियाँ तो लगी रहती हैं, जुगते मारना पंजाबी में जैसे कहते हैं, मजाक उड़ाना वो ईजी 2 मिनट के अंदर होता है भाई, लेकिन उसको गलत तरीके से लेकर चले जाना, और उसके अंदर पता नहीं क्यों ये औरत के अंदर वो कहते हैं ना, एक बात की जाती है कि कभी भी रोती हुई औरत के ऊपर ना तरस ना खाना, रहम ना खाना, तो ये सच है। एकदम अपना बिल्कुल मेरे पे बड़ा हमला हुआ है, गलती मेरी नहीं थी, कहाँ गई थी, ये वाला जो काम है ना ये बड़ा जुतियापा वाला। तो मैं इस चीज़ में ना हमेशा कर्मा की साइड लूंगा, और जितने भी आर्टिस्ट ना इन चीज़ों को कहते हैं ना, स्पेशली कुछ लोग बोलते हैं मेरी माँ पे चला गया, मेरी बहन पे चला गया, ब्रो हो गया, मुझे तो उस चीज़ का भी गुस्सा है भाई। जैसे वो कृष्ण ने बोला था माँ बाप पे गया तो ये हो जाएगा वो जाएगा, भाई कुछ नहीं किया, घंटा नहीं खड़ा, वो फिर से चला भी गया था एमबीबी। लोगों ने सोचा एमबीबी को बहुत बोला था कि जी एमबीबे की लड़की पे जा रहा है तो तू उसकी माँ बाप पे जा रहा है, भाई कुछ नहीं होता, एमबीबे सही था भाई, रैप है इधर, कम्युनिटी ऐसी है देसी है, बॉब हमारे यहाँ पे ये नहीं कहते अस्सलाम वालेकुम राम राम, वो सीधा सीधा कहते हाँ लन क्या हाल है माँ के लड़े, तो इस तरह बात करते हैं। हमारी कम्युनिटी ऐसी, अब गलत है सही है वो अलग चीज़ है, बट कल्चर में जो चीज़ चल रही है भाई वही चीज़ है। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये जो होता है ना कि कार्ड लगा लेना अपने ऊपर और सिंपथी लेना,
ये बहुत बुरी चीज है। गालियां पड़ती हैं 100 बंदों को पड़ती हैं, तुम्हें भी पड़ेंगी हमें भी पड़ेंगे, ये चीज नहीं करने का। वो जबा जबा करने वाला इतना अच्छा रैप करने शुरू हो गया कर्मा, जिसकी को हद नहीं, मैं छुपके छुपके वो क्या थी मूवी वो देखने बैठ गया हूँ भाई। एक सही बात है, वो जबा जबा करते कहाँ लेके चला गया, तो उसने तो इस चीज को कभी ऑफेंड नहीं लिया। यार यहाँ गालिब ने उसको हकलाता हुआ इतना छेड़ा था, जिसकी को हद नहीं, बेस्ट टाइम चल रहा था वो, उसको कितने लोगों ने बोला होगा, लेकिन उसे टैकल कर दिया। तो उसी तरह एग्जी भी चाहे तो अपने आप को टैकल कर सकती है और अच्छे तरीके से लेके आ सकती है। तो ये जो बीच में लोग एग्जी को इस बात पे सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं ना, अगर तुम आर्टिस्ट के तौर पे सपोर्ट कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो कि एग्जी अच्छी आर्टिस्ट है, उसका रैप अच्छा है, उसकी चीज़ अच्छी, तो बिल्कुल ठीक है। और या तुम वन साइड हो रहे हो तो कोई बात नहीं, बट अगर तुम एग्जी को इस बात पर सपोर्ट कर रहे हो कि भाई वो बॉडी शेमिंग कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो दूध के ऊपर बात कर रहा है, वो ट्वी के ऊपर बात कर रहा है, वो टनल के विजन में जा रहा है, ना काका ना फुद्दू काम नहीं करना। तो हाँ मिलता हूँ यार आप लोगों को किसी अगली वीडियो में, और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, इनसे जितना दूर रह सकता है, ये ना दिमाग को छोटा कर देती हैं भाई। ये जो होते हैं ना रूल्स बनाने, ये चनके वाली हरकतें कि भाई मैं गाने में गाली नहीं दूंगा, ये नहीं करूंगा, भाई तेरी पर्सनल लाइफ है तो तू नहीं कर रहा, डजेंट मीन कि कोई दूसरा तीसरा मर्द या औरत नहीं करेगी। तेरी अपनी लाइफ है ना, तो अगले की अगली लाइफ है। और तुम हमारे यहाँ पे तो मर्द को दो, मर्द नहीं रोता भाई लोगों के आगे, नहीं रोता वैसे तो भाई डंडी रोने करते हैं, तो हम इसमें तुम हमारा मजाक उड़ा दो, सो चीजें भाई मजाक उड़ाने के लिए। तो ये जो ये गलत हरकत है ना, जिसमें सिंपथी गेन करना हो कि जी तुम्हारी माँ ये करती होगी आखिर, ये पुफी वाली बातें नहीं करनी भाई। तो हाँ मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, और ऐसे फुद्दू लोगों से बचने की कोशिश करें। तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो डॉक्टर से रजू करें। अस्सलाम वालेकुम जबा।